आज हम बनाएंगे नवरात्र स्पेशल रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनती है, और इस रेसिपी को आप व्रत के अलावा नाश्ते में या स्नैक के रूप में भी बना सकते हैं। तो चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 2 से 3 उबले हुए आलू, जिसे मैंने चाकू से कट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। मैश हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, कुछ मोटे मोटे से आलू भी इसमें रहने चाहिए। बस इस तरह से हमें इसे मैश करना है। यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैं सेंधा नमक, पालक, दरदरी कुटी हुई मूंगफली, 2 चम्मच सिंगाड़े का आटा, 3 से 4 चम्मच कुट्टू का आटा, 2 से 3 चम्मच भिगोए हुए साबुदाने। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, जो इस तरह से डो बन के तैयार है। अब इस थोड़ा सा मैं हाथ में लूँगी। अब इसे दोनों हाथों से ऐसे पहले चपटा कर लेना है। अब इसके बीचों बीच में रख दूँगी मैं पनीर स्लाइस। अब इसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रण हो लूँगी और इसे अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। इसी तरह से हाथ से इसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं, आप गोलाई में भी इसे बना सकते हैं। मैंने चौकोर में ही इसे बनाया है। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आराम आराम से ही हमें इसे गरम तेल में फ्राई करने के लिए रखना है, और यहाँ पे मीडियम आंच पे ही इसे सेकना है। बस इसी तरह से आराम आराम से पलटते जाना है। तो यहाँ पे हमारे ये सारे ककलेट फ्राई हो चुके हैं, ये सर्व के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा।